हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोल सर्वाइवर गेमिंग। और भाई लोग, आज की वीडियो में मैं फिर आ गया हूँ मिलिट्री में और यहाँ पे दुश्मनों की बारिश हो रही है। मतलब लेफ्ट में देखूँ ऊपर की तरफ तो बारिश हो रही थी, राइट में देखा तो भी बारिश हो रही थी, नीचे जाके जैसे ही हम उतरे हमारी पेटी बना दी गई। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता हर बारी गेम में। तो खैर, यहाँ पे हम उतरते हैं और ये जो टीममेट के साथ उतरा होता हूँ मैं, इस बारी सोलो नहीं खेल रहा था मैं, तो टीममेट्स के साथ उतरता हूँ मैं और ये कहते हैं कि भाई इसमें चलो, ये जो भी है ये। और मैं सोचता हूँ कि भाई मेरे को वापस इसमें जाना चाहिए टावर टाइप में, तो मैं फटाफट से चढ़ जाता हूँ टावर में और मेरे को यहाँ पे कैंपा मिलती है, बड़ा ही खुश हो जाता हूँ। UMP की गन मिलती है और लेवल 1 का हेलमेट मिलता है। तो जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा होता हूँ, मेरे को आजू बाजू देखने की आदत है क्योंकि कोई ना कोई निहत्था भाग रहा होता है गाड़ी लेने के लिए, पर मेरे को कोई नहीं दिखता। इतने में जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और मेरे को इस जगह पे आने के बाद ये बंदा दिखता है जो मेरे को मुक्के से पेलने की कोशिश कर रहा था। मैं गोलियाँ पेल के भाई की पेटी बना देता हूँ बड़े आराम से। इतने में मैं देखता हूँ मेरा एक टीममेट नॉक हो चुका है और पेटी भी बन गई है उसकी। लॉबी में पहुँच के डांस कर रहा होगा वो, पता नहीं क्या कर रहा होगा, ऐसे कैसे इतनी जल्दी नॉक हो गया यार, तू देख के उतरना था ना। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ एक बंदा छत पे खड़ा था, तो मैं उस पर गोली मारता भी हूँ पर हमसे ना होता बिना स्कोप के भाई। वो नीचे उतरता है, मैं उसके पीछे भागने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ पे जा रहा है। इतने में मेरा दूसरा प्लेयर भी नॉक होने वाला है। अब यहाँ पे मेरे को पता लग जाता है कि भाई नॉक हो गया दूसरा भी और पेटी भी बन गई उसकी, क्या ही कर सकते हैं आप। तो ये बंदा भाग के जा रहा होता है गाड़ी लेने और इसको मैं ऐसे बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। सही में ऐसे कैसे चला जाएगा भाई, हम भी खड़े हैं इधर और भाई की पेटी बना दी जाती है। ये मेरे ख्याल से सोलो स्क्वाड खेल रहा था क्योंकि इसके गोली पड़ी और ये ठेल क्या बंदा। तो खैर, इतने में मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं आगे की तरफ जा रहा होता हूँ लूट लेने के लिए कि सामने से मेरे को कोई ढंग की लूट मिलेगी। हाँ, फिर से मैं वही स्टंट करने की कोशिश करता हूँ जो मैंने कल परसों वाली गेम में करा था, कल या परसों, आई डोंट रिमेम्बर। तो खैर, मैं नीचे उतरता हूँ, मेरे को 2 नेड मिलते हैं, मज़ा ही आ जाता है। नेड 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 होता है, M16 मिलती है, खुश सा हो जाता हूँ क्योंकि UMP की गोलियाँ ख़त्म हो ही गई थी, लगभग 16 गोलियाँ पड़ी थी, 16 में एक बंदा नोक ना होता इसमें। तो यहाँ पे उजी मिलती है, UMP हटा के मैं फटाफट से उजी ले लेता हूँ क्योंकि उजी है भाई नेक्स्ट लेवल गन, उजी बाइसन नेक्स्ट लेवल गन है। तो मानो ना मानो, उजी अगर किसी बंदे को पड़ गई, वो बंदा मतलब चिपका के पड़ गई, ढेर सारी गोलियाँ एक साथ पड़ गई, तो वो बंदा ख़त्म है, नोक है, नोक के बाद पेटी बन जाएगी एक साथ ही। 35 की 35 गोलियां एक बारी में ही छल्ली कर देगी बंदे को। तो खैर, मैं ऊपर पहुंचता हूं, अब ढेर सारी गोलियां हो गई हैं तो बर्बाद करने का वक्त है। तो मैं फुल स्पीड में भागता हूं आगे की तरफ और ये देखता हूं कि मेरे को कोई बंदा भागता हुआ दिख रहा है, निहत्ता तो खैर इस टाइम पर नहीं होता। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और देखता हूँ आजू बाजू कि यहाँ पर कोई है या नहीं, और मेरे को कोई नहीं दिखता। इतने में ही ये बंदा भाग रहा होता है, तो मैं इस पर फुल गोलियां पेल देता हूँ। इतने मेरे को पता लगता है कि इस बंदे का नॉकिंग क्रेडिट किसको गया, मेरे टीममेट को। मतलब किल चोरी तो भाई ऐसे करते हैं, मतलब लगभग टूट गया था ये बंदा सामने वाला और उस पर इस बंदे ने 2 गोलियां मारी और उसको नॉक मिल गया। तो मैंने कहा भाई मैं किल भी नहीं कर रहा, मैं गोलियां बर्बाद नहीं है, मेरे गोलियां बर्बाद नहीं करनी। मैंने सामने देखा, मैंने पेड़ की तरफ एक बंदा बैठा हुआ, पेड़ के पीछे बैठा हुआ है, क्या ही बोलूँ मैं। और वो बंदे ने छुप छुप के गोलियां मार रहा है, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं आजू बाजू देखता हूँ वो किस पे गोलियां मार रहा है और वो मेरे को नहीं मिलता। इतने में मेरा तीसरा टीममेट भी नॉक हो जाता है। अब तो भाई रिस्क वाला मामला है क्योंकि या तो मरो या मारो वाला सीन है। मैं नीचे उतरता हूँ, पता नहीं मैं क्राउच क्यों कर रहा था, नीचे उतरता हूँ और मैं सामने की तरफ उस बंदे को ढूंढता हूँ जिसने गोली मारी मेरे टीममेट को। तो मैं फटाफट से गोली पेलता हूँ और मार भी देता हूँ लगभग उसको, 2-4 गोलियां लगती हैं पर वो देख मिलता नहीं है, वो नॉक नहीं होता। इतने में मैं फिर गोलियां मारता हूँ और फिर नॉक नहीं होता वो, सॉरी नॉक हो जाता है शायद से, दिख नहीं रहा मेरे को खुद भी। हाँ, किल ही कर देता हूँ मैं। इतने में एक और बंदा आ जाता है और ये भाई मतलब बैंड ही बजा रहा था मेरा, इसको फटाफट से नॉक करके मैं अपने टीममेट की मदद करता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारा हीरो है। ये पता नहीं पेटी के पास जाके क्यों बैठ गया, मतलब इसको अपनी पेटी बनवानी है, पेटी तो बनवानी ही होगी यार, ऐसे कैसे बैठ गया, ऐसे कैसे बच जाएगा। अब यहाँ पे 2 पेटियाँ एक साथ हैं, मैंने नोटिस नहीं करा और मैंने यहाँ पे फटाफट से गोलियाँ उठा ली,
टॉमी की, ताकि उसको ना मिल जाए। पता नहीं क्यों, पर मेरे को आगे कोई बंदा दिख रहा था, फुटस्टेप आ रहे थे, पता नहीं आवाज़ आ रही थी क्या था, तो मैंने गोलियां उठा ली पर गन नहीं उठाई, और वो बंदा वो रहा, तो उस पर मैं गोली मारने की कोशिश करता हूँ, पर मेरे को नहीं दिखता भाई, स्कोप से, स्कोप के बगैर नहीं दिखता हमको। तो मैं इधर आता हूँ वापस, पेटी छान मारता हूँ, और टॉमी पड़ी होती है, टॉमी मैं उठा लेता, टॉमी मतलब थॉमसन, फटाफट से रिलोड करता हूँ, और मैं यहाँ पे आता हूँ, इसके पीछे खड़ा हो जाता हूँ, ताकि पिटे तो ये पिटे पहले, मरे तो पहले ये मरे। अब ये गलत बात थी ना, एक गलत कहा ना मैंने कि ये मरे ये मरे, तो क्या इधर आता हूँ मैं, और यहाँ पे मेरे को आवाज़ चेंज हो गई थी, हाँ तो यहाँ आगे आता हूँ मैं। अब मेरे को लगता है ये बंदा इस घर में घुस गया है, और इसको घुस के मारने के अलावा और कोई चांस नहीं है, तो मैं थोड़ा सांसें भरता हूँ कि भाई चलना चाहिए चलना चाहिए, सोचता हूँ मैं, और मैं बिना सोचे ही छत पे चढ़ जाता हूँ। हाँ ये देखो, और ये छत पे चढ़ना एक गलती के अलावा और कुछ नहीं थी, क्योंकि सामने मेरे को एक बंदा दिखता है भागता हुआ, हाँ ये, और मैं इसको गोली मार देता हूँ। पता नहीं ये बीच में क्यों रुक गया था, अभी तक एक भी गोली नहीं पड़ी थी, पर जैसे इसको गोली पड़ी ये बंदा रुक गया, और मैं भी रुक गया, वो मैंने गलती करी, और फटाफट से इसको निपटा देता हूँ मैं। इतने में मेरे को नॉक कर दिया जाता है, दुखद, एक गोली में नॉक कर दिया भाई, एक गोली में कैसे नॉक हो गया, डीपी मारी थी यार इसने, कितनी गोलियां पड़ी होंगी मेरे को, आई डोंट नो। तो मैं हेल्प करता हुआ अपने टीममेट की तरफ जाता हूँ कि भाई बचा ले, मैंने तेरी मदद करी थी, तू भी मेरी मदद कर, पेटी बनने से बचा ले, बस बचा ले। और ये बंदा ठीक था, इसने बचा लिया, मतलब बचाएगा अभी, देखो थोड़ा सा तड़पता हुआ मेरे प्लेयर को, अजीब लेवल का। ये बंदा आता है नीचे से, नीचे घर में घुस जाता है, ये सोचता है कि मैं घर के अंदर हूँ, पर मैं तो होता हूँ छत पे, तो मैं रेंगता, मेरा प्लेयर रेंगता छत से नीचे उतरता है और आगे की तरफ जाता है कि घर में घुस भाई, फटाफट से हील दे, वो रिवाइव कर मेरे को। यार मेरे को ना ये आवाज़ ठीक नहीं लग रही, तो खैर आखिरकार हम मिलते हैं और ये रिवाइव दे देता है, बड़ी खुशी होती है। और इस भाई ने रिवाइव दिया ना, मेरे को बहुत खुशी हुई थी कि इस बंदे ने रिवाइव दिया, ये बंदा ठीक है, इसके साथ गेम खेलूंगा तो काफ़ी, मतलब चिकन डिनर के चांसेस हैं मेरे। पर इससे भाई, इससे तगड़ा बेवकूफ़ मैंने आज तक नहीं देखा जिंदगी में। ये देखो तुम्हें यहाँ पे मिलेगी मूर्खता अपार। मैं यहाँ आता हूँ और थोड़ी गन ढूंढने की कोशिश करता हूँ, गन M16 में 30 गोलियाँ हैं, यहाँ पे भी थोड़ी गोलियाँ हैं, और ये पेटी दिखती है, मैं लूटता हूँ। इतने में ये भाई निकाल लेता है नेड, मैं आगे जा रहा होता हूँ और मैं पीछे आ जाता हूँ कि भाई ये नेड फेंक रहा है, नेड फेंकेगा कहीं तो फेंकेगा, और ये बंदे ने हाथ में फोड़ लिया बेवकूफ ने, क्या बताऊँ मैं, मेरे को गुस्सा बड़ा आ रहा है यार, ऐसा कौन होता है बेवकूफ, इतना बेवकूफ कैसे कोई हो सकता है। अरे क्या ये इसने बिजली बम समझ रखा था, जो हाथ में फोड़ दिया इसने नेट, बेवकूफ इंसान, मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कहीं सामने बंदा बैठा है उसको मारेगा ये, नहीं इसने हाथ में फोड़ना है, खेल खेलने दोनों की पेटी बनवा दी यार। अगर तुम्हारी टीम में ऐसा बंदा है ना बेवकूफ सा, उसकी स्टार्टिंग में पेटी बना लो, पर गेम ना खेलना उसके साथ, क्योंकि ऐसे बंदे होते हैं जो चिकन डिनर के टाइम पे भी तुम्हारी पेटी बनवा देंगे, कैसे, हाथ में नेट फोड़ के, बेड़ा गर्क कर दिया पूरा।